वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं आपका दोस्त सरकार। और फिर से हम आ चुके हैं पटना के NIT घाट पे। पटना का जो NIT घाट था, कुछ दिनों पहले आपने देखा था वो चीज़, वो पानी का जो लेवल था वो हाई लेवल पे एक था, लेकिन आज भी प्रशासन यहाँ पे है, इस गेट पे है। और अभी एक गाड़ी भी आई है प्रशासन की, वो अभी यहाँ पे सारा चीज़ देख के वो अभी आगे की ओर बढ़ रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग हैं ना, लोगों को अभी तक रोका जा रहा है। पानी का लेवल तो कम गया है, लेकिन फिर भी अभी तक लोगों को रोका जा रहा है। आइए चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं और पानी का जो लेवल है वो कितना हद तक कमा है। तो ये है NIT का वो जगह, और इसी रास्ते से हम लोग अंदर की ओर जाते हैं। अभी तक यहाँ पे खतरनाक घाटों में से एक जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे भी अभी लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं पानी का जो लेवल है वो कितना हद तक कमा है। तो ये वो जगह है NIT जाने का। अगर कोई आप NIT पे आना चाहते हैं, गांधी घाट आना चाहते हैं, तो ये जगह जाती है। और पानी का जो लेवल है, पानी का कितना लेवल वो कमा है, वो आज हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पानी का जो स्तर है गांधी घाट में, वो काफ़ी हद तक नहीं, उसको बोला जा सकता है पूरा का पूरा जो पानी का जो लेवल है वो ख़त्म हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं सैंड्स बैग जो लगाया गया था, तो यहाँ भी जो पानी था ना, वो जो पटना लिखा हुआ है उस लेवल तक था, ऊपर तक। और ये अब क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर। ये जो हमारे पीछे पुल देख रहे हैं, और यहाँ पे जो जगह था वो बैरिकेड किया गया था इस बम्बू से। अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, इस बम्बू से इस जो ये पॉल है वहाँ तक एक बैरिकेड किया गया था, और पब्लिक को आने जाने में मतलब कि रोका जा रहा था कि उस तरफ ना जाए। लेकिन अभी ये जो जगह है पूरा पानी ख़त्म हो चुका है। वो चीज़ आज हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं गांधी घाट पे। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि गांधी घाट से जैसे ही हम लोग मंदिर के पास आते थे, ये पिछले वीडियो में अगर आप देखा होगा तो वो चीज़ मैं दिखा दूं कि अगर मंदिर के पास मैं लास्ट वीडियो में आया था तो पानी का जो लेवल था वो चेस्ट से नीचे, मतलब छाती से नीचे था। और अभी ये सब जितने भी दुकान थे, ये मंदिर था, ये सभी डूबा हुआ था। वो गेट का जो पानी आप देख रहे हैं, गेट पे जो पानी आया हुआ था, वो आप लेवल देख सकते हैं। ये जो ये इस लेवल तक पूरा यहाँ पे आया हुआ था। ये ऊपर में था तो थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन ये सब जो एरिया था वो सब पूरा डूबा हुआ था। यहाँ पे धारा चल रही थी। और ये जो मंदिर के बारे में है, वो चीज़ तो आपको पता ही होगा कि मंदिर पूरा डूबा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ नाग दिख रहे थे। बाबा का जो वो है फन, वो सिर्फ और सिर्फ दिख रहा था, लेकिन पूरा विलीन हो चुका था। मंदिर के पास भी इतना पानी था कि ये जो लेवल था वो सब डूबा हुआ था। तो ये मंदिर का एरिया है और मंदिर पे पूरा पानी आ चुका था। आप पिछले वीडियो में अगर जाइएगा देखिएगा तो ये सब पूरा विलीन हो चुका था। तो मंदिर से हम चलते हैं अंदर की ओर, इस तरफ। इस तरफ तो आपको क्या बताएं, यहाँ पे जो हम बार बार बताते थे कि चाय की एक टफरी रहा करती थी, वो भी पूरा पानी में विलीन हो गया था। लेकिन अभी जो एरिया है वो आप देख सकते हैं कितना पानी का जो लेवल है वो कम चुका है। ये सब पूरा डूबा हुआ था। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बैठने का जगह है, धूप में लोग बैठते हैं, ये सब करते हैं, ये सब पूरा डूबा हुआ था। लेकिन अभी जो है पानी का जो लेवल है, स्तर है, बहुत हद तक, मतलब क्या बताएं हम, कितना खुश है पटनावासी, वो चीज़ आपको दिखा सकते हैं। यहाँ से बहुत बार वीडियो बनाए थे, लेकिन यहाँ भी जो है ना, लेवल पैर के पास पूरा पानी पहुंचा हुआ था। लेकिन अभी का जो स्तर है वो पानी का लेवल वहाँ चल चुका है, वन स्टेप जो पानी का लेवल है वो चला गया है। वो जो ऑफिस है, यहाँ का जो घाट का जो ऑफिस है, वो भी पूरा डूबा हुआ था और वो भी बंद था पूरा खुली। अभी ये सही हो चुका है। गांधी घाट से हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं, बरहवा घाट, और ये जो आगे जो पड़ता है, ये जो हमारा रिसॉर्ट है, उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उस तरफ भी घुटना भर पानी था, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे शॉप वगैरह लग रहे हैं। ये 3-4 दिनों से कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? 3-4 दिन से मैं भी नहीं किए सर। तो मतलब पानी तो था, बहुत पानी था। कितना लेवल तक था पानी यहाँ पहुँचा हुआ था? पूरा संडे दिन तक पूरा घुटना तक जी।
अभी कैसा लग रहा है यहाँ आके? ऐसे तो अच्छा लग रहा है, घूमने लायक, घूमने लायक अब जगह सही बन गया। प्रशासन आने देती है? थोड़ा बहुत अभी धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है, मिट्टी वगैरह हट रहा है। अच्छा जी, मिट्टी वट्टी हटा रहा है, प्रशासन आने देता है जी। ये जो जगह है वो गांधी जी का वो स्मारक बनाया गया है, और यहाँ पे स्टेज है, ये स्टेज वाला एरिया है, यहाँ पे गांधी जी का स्मारक बनाया गया है। पूरा ये डूबा हुआ था पानी में, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, डस्टबिन को भी हमने दिखाया था, वो भी आप देख सकते हैं। पूरा उफान पे, जो नदी थी गंगा नदी, वो पूरा उफान पे थी, ऊपर लेवल तक थी। वो चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस समय ये जो गंगा है नीचे डाउन हुई है, वो जो टॉप लेवल है वो बोट का, ऑरेंज वाला बोट का जो टॉप लेवल है ऊपर वाला, वहाँ पे था। इसका जो लेवल है, ये जो लैडर जो सीढ़ी गई है बोट के किनारे से, उस लेवल तक गंगा आई हुई थी। और अभी देख सकते हैं कि 3 फीट नीचे गया है, 4 फीट नीचे गया है, गंगा का जो लेवल है वो 4 फीट नीचे चला गया है। तो ये जो शॉप था वो सभी शॉप भी बंद था, ये पानी के कारण पूरा बंद था। और अभी जो है वो चीज़ भैया बताएंगे। भैया कितने दिनों के बाद ये शॉप खुला है? 2 सप्ताह। पानी में पूरा डूबा हुआ था, कहाँ तक था वो पूरा डूबा हुआ था। पानी हटाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, चूंकि अपने ही निकल गया होगा। कीचड़ जो पड़ा हुआ था, इतना कीचड़ था, हाँ हाँ, निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। ठीक है, तो अभी हम चलते चलते इस तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरफ का जो नज़ारा है वो कुछ फीलिंग गुड वाला आता है, क्योंकि पानी का जो लेवल था वो 3-4 फीट आप देख सकते हैं। ये सब जो सैंड्स का जो बॉक्स रखा गया है और वो चीज़, वो सभी यहाँ पे जो है, इसमें मेरा दो बार मैं NIT घाट पे आया हूँ, और इसमें मेरा पैर टकराया है और चोट भी लगा है, जिस कारण से थोड़ा सा दर्द भी हुआ। और यहाँ पे ये सब आपने देखा होगा कि पूरा यहाँ पे धारा चल रहा था, पूरा मतलब कि गंगा जो था ना पूरा उफान पे आ गया था उस लेवल तक। वो जो सैंड्स का जो बैग रखा हुआ है जितना भी, वो चीज़ आपको देखने को मिला होगा लास्ट ब्लॉग में। तो फाइनली हम चलते चलते आ गए हैं इस जो ये भागीरथी विहार है, जो मैरिज अभी हॉल हो चुका है, जो पानी का जो लेवल था वो यहाँ पे था, पानी का जो लेवल खुली जो था यहाँ पे था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिट्टी और ये सब लगा हुआ है ना, इससे साफ जाहिर होता है कि पानी का जो लेवल था यहाँ पे था। और नहीं आपको पता चल रहा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पानी का लेवल कहाँ तक था, वो आप देख सकते हैं ऊपर में। ये जो गंदगी है जहाँ तक मिट्टी का जो ये लगा हुआ है वहाँ तक, और धीरे धीरे ऊपर तक चला गया, वो पूरा ये सब डूबा हुआ था। ये जो एरिया है वो पूरा डूबा हुआ था, गंगा का जो लेवल था इस लैडर में टकरा रहा था ऊपर की ओर, और अभी जो लेवल है वो कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ पे लोग सैर सपाटा के लिए आया करते थे, लेकिन आज खुशी आते हैं। पहले तो लोग सैर सपाटा के लिए आया ही करते थे, लेकिन पानी जिस समय आया, बारिश का जो मौसम भी नहीं हुआ, और अचानक से पानी का जो लेवल है गंगा में उफान मारने लगा, लोग रुक गए थे, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट कर दिए हैं सैर सपाटा के लिए। कितने दिनों बाद आए हैं आप यहाँ? पता था कि पानी में पूरा डूबा हुआ है NIT? अभी पता चला, पहले आप आए थे पानी के समय? आया था पानी ऊपर में। हाँ, उस समय पता चला था पानी का जो लेवल था यहाँ तक था, तो अभी जो है पूरा ये घट गया है। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, पहले बारिश था, पूरा माहौल पानी पानी हो चुका था। हाँ, पानी पानी पे आपने डांस किया कभी? ना, अभी डांस नहीं किया। अभी यहाँ पे सैर सपाटा स्टार्ट हो गया जी, अभी स्टार्ट है, अभी स्टार्ट है। शाम को तो और भी भीड़ लगता होगा, शाम को पूरा भीड़ लगता है यहाँ पर है, जो साफ हो जाएगा पूरा जाने आने वाला। हाँ हाँ हाँ, पूरा भीड़ लगेगा यहाँ, वही लग रहा है, क्योंकि पानी का जो लेवल था वो काफी हाई, हाँ 4-5 फीट ऊपर था, ऊपर था पानी।
और अभी 4-5 फीट नीचे हो चुका है। तो ये जो हमारे पीछे बैठने का जो जगह था वो भी पूरा पानी से घिर चुका था। पानी का जो लेवल था, पानी का जो स्तर था वो करीबन यहाँ तक था। पानी बहुत हद तक कम चुका है और यहाँ पे फिशिंग भी हो रही है। वो चीज़ आपको दिखाते हैं। कितना अभी पकड़ाया भैया? 600 ग्राम का है। के गो? दो गो। पानी उस समय था तो उस समय भी आते थे क्या? ना ना, हम तो सौखिया खिला रही है। अच्छा, रिजर्वर नहीं है। तो जितने भी अब लोग हैं वो आराम से यहाँ पे बैठ रहे हैं और जो लेवल था पानी का वो कुछ कहा नहीं जा सकता था। पानी का जो लेवल था पिछले ब्लॉग में आपको दिखाए थे वो यहाँ तक था। एक लेवल का एक मीटर लगा हुआ है तो पानी का जो लेवल था ये आसपास था, यहाँ पे ये। लेकिन अभी जो पानी का जो लेवल है वो पूरा का पूर्ण हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है नीचे में वो। तो ये जो मरीन ड्राइव वाला जो ये एलिवेटेड पुल बनाया जा रहा है उसके जस्ट इस तरफ है और यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में ये सब फोटोग्राफ्स आपने देखा होगा। ये सब फोटोग्राफ्स देखा होगा तो ज़रूर आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितना पानी था। तो पानी का जो लेवल था वो पूरा यहाँ तक आ चुका था। ये जलकुंभी वाला एरिया है और यहाँ से पूरा उधर तक वो जो लास्ट कलेक्ट्रिएट घाट है, फिर उसके बाद है ये काली घाट, वो सभी यहाँ से उधर की ओर डूबा हुआ था। पानी का जो लेवल था पूरा यहाँ तक आ चुका था। हाथ से पानी को टच करते थे उस समय, लेकिन अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 फीट नीचे है पानी। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। जय हिंद।